वेलकम बच्चों लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा पार्ट कवर किया था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कंप्लीट किया था। यस और नो बच्चों लोग? ठीक है, तो अभी हमारे कौन कौन से लॉ हुए बताओ। पहले तो हमारा पहला लॉ हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद क्या हुआ? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। उसके बाद क्या हुआ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद क्या हुआ? एवोगाड्रो लॉ हुआ, गे लुसैक लॉ हुआ, रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है, तो ये सब लॉ कंप्लीट हमारे हुए। अभी खाली यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ओके, POAC, ये बच्चा है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बच्चों लोग, बोलो आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है? मैं बोल देता हूँ, एक सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो पहले तो एक साइंटिफिक डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम हमारे टर्म में केमिकल रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ओके। वहाँ पे आपका क्या होता है, एक या दो या एक से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज होती है, कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ओके, कि जो आपस में इंट्रैक्शन कर लेते, रिएक्टेंट रिएक्टेंट के अंदर वो क्या कर लेते, इंट्रैक्शन कर लेते, और इंट्रैक्शन करने के बाद उनके अंदर जो भी बॉन्ड थे वो ब्रेक हो जाते, उनके अंदर के जो भी बॉन्ड है वो क्या हो जाते, ब्रेक हो जाते, और ब्रेक होने के बाद नए बॉन्ड फॉर्म हो जाते, नए एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म हो जाते, मतलब पुराने एटम के साथ वो बॉन्ड तोड़ देते और नए एटम के साथ वो बॉन्ड बन जाते। आप बोलेंगे सर केमिकल रिएक्शन क्यों हो रही है, वो तो यदि स्टेबल है तो फिर वो केमिकल रिएक्शन क्यों कर रहा है। तो फिर एक कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन पे उनको यदि हम कुछ पर्टिकुलर एनर्जी देंगे, उस वो बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे तो बॉन्ड टूट जाएंगे। तो टूटने के बाद फिर से बनने चाहिए ना, तो फिर एक फेवरेबल कंडीशन पे वो बॉन्ड बन जाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको चेंज मिलेगा, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज थी उसके बदले में आपको एक नई स्पीसीज मिलेगी, और दिस नई स्पीसीज इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल है, बॉन्ड को तोड़ना और बॉन्ड को जोड़ना इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो अभी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को हम एक केमिकल इक्वेशन से समझते हैं स्टूडेंट। केमिकल इक्वेशन मतलब वहां पे हमने रिएक्टिंग स्पीसीज का मॉलिकुलर फॉर्मूला डाल दिया, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज थी उनके मॉलिकुलर फॉर्मूले। दो रिएक्टिंग स्पीसीज है, तीन रिएक्टिंग स्पीसीज है, उसके अंदर हम प्लस प्लस साइन डालते जाएंगे और एक रिएक्शन का एरो लिखेंगे, उसको हम रिएक्शन एरो बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे इसको रिएक्शन एरो बोलते हैं, और इस साइड में हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, इस साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमेशा डिकम्पोज होगा, ये वाला पार्ट हमेशा फॉर्मेशन। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी रिएक्ट केमिकल इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है स्टूडेंट, कि कौन रिएक्टिंग स्पीसीज है, कौन प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी इस केमिकल इक्वेशन को यदि हम बैलेंस करेंगे तो आपको पता है स्टूडेंट, वहां पे हमें एक स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है, ओके। तो फिर हमें यहाँ पे उसके क्या क्या फायदे, ओके, केमिकल इक्वेशन के या केमिकल रिएक्शन के हमें क्या क्या फायदे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट, कि जो भी आपकी रिएक्शन है उसके अंदर आपके दोनों साइड पे जो भी एलिमेंट है उसका एटम का नंबर जो है स्टूडेंट, दोनों साइड पे क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स होता है। इसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही आपके राइट हैंड साइड में रहेंगे। इसको हम बोलते हैं एटम कंजर्वेशन। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ एटम कंजर्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एटम वहां पे आपका डिकम्पोज हो गया, वही आपका प्रोडक्ट साइड में एटम बन गया। तो यहाँ पे एटम कंजर्वेशन बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मतलब रिएक्टेंट के अंदर जितने एटम रहेंगे उतने आपके प्रोडक्ट के अंदर एटम पक्का है। दूसरा क्या है स्टूडेंट, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। ऑल रिएजेंट शुड बी रिटर्न
इन स्टैंडर्ड मॉलिकुलर फॉर्म, नॉट एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में हम नहीं लिखते, हमें कोई रिएक्शन लिखना है तो यहां पे हम H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। तो हाइड्रोजन को हमने एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा है, या ऑक्सीजन को भी हमने एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा है, वाटर को भी हमने एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखा है स्टूडेंट। तो फिर ये हाइड्रोजन का मॉलिकुलर फॉर्म है, जब भी हम हाइड्रोजन गैस बोलेंगे तो आपको उसका मॉलिकुलर फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है दिस इज द हाइड्रोजन गैस, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द ऑक्सीजन गैस। समझ रहे? एटॉमिक फॉर्म में आप कौन से लिखेंगे स्टूडेंट? यदि आपका जिंक प्लस HCl, इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2, तो ये आपका रहेगा एटॉमिक फॉर्म, इसको आप एटॉमिक फॉर्म ले सकते हैं। बट एक सिंगल एटम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मोल्स एटम ले सकते हैं, मतलब एटम बहुत सारे जिंक के एटम, यहाँ पे मोल्स एटम लेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली बात क्या है, यहाँ पे हम स्टोइचोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होते हैं उसका रिलेटिव मोलार मास यहाँ पे देखने वाले, मतलब क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलार मास, यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलार मास, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम कितने मोल्स कंज्यूम हो गए, यहाँ पे इसके कितने मोल कंज्यूम हो गए और यहाँ पे इसके कितने मोल बन गए। तो इसके 2 मोल कंजम्पशन पे इसका 1 मोल कंजम्पशन है, इसका 2 मोल फॉर्मेशन है। तो ये आपस में इनका रिलेटिव रेशो देखेंगे, रिलेटिव रेशो, तो इसका 2 कंपोजिशन डिकम्पोजिशन है तो इसका 1 डिकम्पोजिशन है, इसका 2 डिकम्पोजिशन है तो इसका 2 फॉर्मेशन है, तो इसको रिलेटिव रेशो बोला जाता है। ओके, तो ये बातें हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से पता चलती है, ठीक है। तो अभी देखो, एक मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इसके हमें क्या क्या कैसे कैसे फायदे हो सकते हैं। तो यस, नेक्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन को बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन दिया है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, KClO3, तो यहां पे मैं KClO3 लिखता हूं। अभी इसको हीट किया गया, हीटिंग, ठीक है, इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड, इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। यहां पे 1 और 2 मोल यहां पे ले सकते हैं, यहां पे 2 भी ले सकते हैं, 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यदि सेम है तो वहां पे इंटरेक्शन 2 or 2 more than 2 सब्सटेंसेस ले सकते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, KClO3, तो यहां पे आपका KCl प्लस O2, ठीक है। तो इस इक्वेशन का हमें बैलेंस करना है, अभी देखो बैलेंस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, तो ये हो गए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यस, तो मैं यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के देता हूँ बच्चों लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2KClO3, यहाँ पे इसको हीट करेंगे, यहाँ पे इसको KCl प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे 2, यस, तो ये होगी आपकी बैलेंस रिएक्शन, यहाँ पे हो गई ये बैलेंस रिएक्शन, यस। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं अभी पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, हीटिंग करने पे हमें KCl और ऑक्सीजन गैस मिलता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इलुस्ट्रेशन देखते हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फोकस किए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे एक तो एक क्वेश्चन और कंसेप्ट साथ साथ हम देखेंगे एक्चुअली। यस, तो ये वॉल्यूम ओनली फॉर गैस, हाँ।
ओनली फॉर गैस। यस, तो हम क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मास मास एनालिसिस कर सकते हैं, वॉल्यूम मास वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, मोल मोल एनालिसिस कर सकते हैं, या मोल मास ये भी रिलेशन कोरिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन को फोकस करेंगे, पहले तो मास मास एनालिसिस, उसके बाद मास वॉल्यूम एनालिसिस, उसके बाद मोल मोल, और उसके बाद वॉल्यूम वॉल्यूम। तो हर एक का एनालिसिस कैसे करेंगे एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या इंटरप्रिटेशन करना है, तो ये सारे चार इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, तो वन बाय वन को हम फोकस करने वाले। ठीक है, चलो तो वन बाय वन को फोकस करते हैं अभी। तो सबसे पहले मास 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 एनालिसिस। चलो तो मास मास एनालिसिस में पहला एग्जांपल लेंगे, यहां पे एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रहा हूं, यहां पे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का हीटिंग करने पे आपको KCl प्लस ऑक्सीजन गैस मिल रहे हैं। यस बच्चों लोग, तो सबसे पहले ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, यहाँ पे लिखूंगा 3, यहाँ पे लिखूंगा 2। यस, तो दिस इज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बच्चों लोग, एक बार रिएक्शन बैलेंस हो गई, अभी मास मास एनालिसिस देख रहे, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 मोल यदि हम ले रहे, 2 मोल तो 1 मोल का मास कितना है यहाँ पे KClO3 के 2 मोल का मास, तो 122.545 इसके आसपास है। ठीक है, आप कैलकुलेट करो KClO3 का 122.5, तो इसके 2 मोल है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू KCl का 74.5। यस, और यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 32, तो ये ग्राम में, ये भी ग्राम में, और ये जो मास है वो आपका इसका जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अभी दूसरी बात क्या करना है, यदि आपको किसी का मास दिया है, मान के चलो कि आपको इसका मास दिया है, इतना इतना ग्राम डिकम्पोज हो रहा है, और आपको पूछा गया कि KCl का कितना मास बन गया या ऑक्सीजन गैस कितना फॉर्म हुआ, तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है कि इस KCl मास ऑफ KClO3, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ O2, तो KClO3 का कितना डिकम्पोजन है, ओके, डिवाइड बाय मास ऑफ O2 का कितना फॉर्मेशन है, तो यहां पे मास ऑफ KClO3 का डिकम्पोजन कितना है 2 इंटू 122.5, डिवाइड बाय मास ऑफ O2 का फॉर्मेशन कितना है 3 इंटू 32 ग्राम। तो ये हो गया आपको, यदि KClO3 का आपको मास दिया हुआ है, कितना मास इसका डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ O2 फॉर्मेशन आपको पूछा है। अभी ये तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमने लिया है, तो ये डाटा तो आपका कांस्टेंट है, ये आपको गिवन दिया रहेगा, और ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, आपको एक क्वेश्चन भी वर्कआउट करके देता हूं, मान के चलो कि आपको KCl का मास कितना प्रोडक्शन हुआ है ये पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ KClO3 कितना डिकम्पोज हुआ है, डिवाइड बाय यहां पे हमें मास ऑफ KCl का फॉर्मेशन पूछा है, इक्वल टू अभी KClO3 का कितना मास डिकम्पोज हो रहा है, यहां पे आपको स्टोइचोमेट्री के हिसाब से पता चल रहा है 2 इंटू 122.5, और स्टोइचोमेट्री के हिसाब से यहां पे KCl का कितना है, तो ये तो स्टोइचोमेट्रिक के हिसाब से, ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया है, और ये आपको निकालना है, तो यहां पे आपको कैलकुलेशन आएगा KCl का मास कितना फॉर्म हुआ है। तो एक क्वेश्चन वर्कआउट करके लेता हूं, तो आपको पता चलेगा बच्चों लोग कि इसके अंदर आपको ये जो थ्योरी है इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको समझ आएंगे, फिर मास मास यहाँ पे मास रेशियो छोड़ना, दिस इज द मास मास रेशियो। ठीक है, तो इसको मास मास एनालिसिस भी बोला जाता है।
मास रेशो या मास मास एनालिसिस के ऊपर एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 367.5 ग्राम आपका पोटेशियम क्लोरेट KClO3 जिसका मोलर मास आपको दिया है 122.5। व्हेन हीटेड हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। तो आपको एक सेंटेंस के थ्रू क्या पता चल रहा है बच्चों लोग, एक सेंटेंस के थ्रू आपको क्या पता चल रहा है, एक केमिकल इक्वेशन का पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको KClO3 को हीट करने के बाद आपको पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन है। इक्वेशन को अभी बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अभी आपको पता है स्टूडेंट KCl का और ऑक्सीजन गैस का यदि मास निकालना है तो हमें मास रेशो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 × 122.5 ये हुआ KCl का मास। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मास ऑफ KCl, मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ KClO3, ओके, डिवाइड बाय या मास ऑफ KCl इज इक्वल टू यहाँ पे ये मोल 2 × 122.5 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 × एक मोल का मास 74.5। तो ये तो स्टोइचोमेट्री से पता चल रहा है, ये तो मोलर मास है, ये मोलर मास है, स्टोइचोमेट्री उसको मल्टीप्लाई हुई है। अभी मास ऑफ KClO3 आपको कितना दिया है, चलो तो यहाँ पे वर्कआउट कर लेते हैं फिर। मास ऑफ KClO3 आपको कितना दिया है, 367.5 डिवाइड बाय ये आपको मास ऑफ KCl निकालना है इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2 × ये 2 कटेगा तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या 122.5 डिवाइड बाय 74.5। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। यस, तो कैलकुलेशन क्या आएगा बोलो, मास ऑफ KCl3 सॉरी मास ऑफ KCl इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 367.5 × 74.5 डिवाइड बाय आपका 122.5। तो ये आएगा आपका ग्राम में आंसर। तो ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, अभी ये आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दे रहा हूं, ठीक है। तो यस, तो ये कैलकुलेशन आ रहा है 223.5 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका आ गया KCl का फॉर्मेशन। चलो अभी बताइए ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कितना आएगा, तो सेम कैलकुलेशन करना है यहां पे, मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय मास ऑफ O2 इज इक्वल टू बोलो यहां पे 2 × 122.5 ये स्टोइचोमेट्री कोएफिशिएंट से पता चल रहा है। और यहां पे क्या लिखेंगे, स्टोइचोमेट्री 3 है, इसका मोलर मास आपको पता है 32। तो अभी यहाँ पे KClO3 का मास आपको दिया है 367.5, यहाँ पे O2 का मास निकालना है, मास ऑफ O2 इज इक्वल टू यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 × 122.5 डिवाइड बाय 3 × 32। यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा बोलो, यहाँ पे आपका आएगा कुछ 367.5 × 3 × 32 डिवाइड बाय 2 × 122.5। तो ये कैलकुलेशन आप एक बार करो क्या आ रहा है मुझे बताओ। यस, तो मैं आपको ये 367 तो ये कैलकुलेशन कुछ आ रहा है 144 ग्राम। यस, तो 144 ग्राम आ रहा है। तो चलो लो आप कंजर्वेशन ऑफ मास भी प्रूव होना चाहिए यहाँ पे। तो आपका 367.5 ग्राम इतना डिकम्पोज हो रहा था और प्रोडक्ट के अंदर आपको 223.5 ग्राम और 144 ग्राम ये फॉर्मेशन है। तो इन दोनों का एडिशन करो, 223.5 प्लस 144, तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा,
तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीटली मैच हो रहा है। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन है आपको इसी तरह से करना है। ये जो कैलकुलेशन है, यदि आपको किसी कंपाउंड का मास दिया है और दूसरे भी कंपाउंड का आपको मास निकालना है, तो आपको जिसका भी मास दिया हुआ है तो उसका मास डिवाइड बाय जिसका निकालना है उसका मास, और आपको इजिकल टू लिखना है। तो KCl3 का स्टोइचोमेट्री कितना है, उसका मोलर मास कितना है, जिसका आपको निकलना है उसकी स्टोइचोमेट्री कितनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, और उसका मोलर मास कितना है, ये आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे आपको KCl और O2 दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिया है। यस, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों लोग? ठीक है, तो अभी ये तो मैं खाली एक आपको समझने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो मास मास रेशो एनालिसिस के अंदर आपको कोई दिक्कत अभी? यस, तो कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है बच्चों लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के अंदर मैं उसको वर्कआउट करूंगा, तो बच्चों लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डालते हैं तो मैं उसको बिल्कुल इंक्लूड कर लेता हूं। ठीक है, यस। तो अभी दूसरा है, मास वॉल्यूम रेशो एनालिसिस। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, मास मास एनालिसिस में आपको समझ में आया होगा कि आपको मास मास का रेशो लेना है। ठीक है, अभी मास वॉल्यूम रेशो एनालिसिस में करेंगे क्या बच्चों लोग? यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर दिया था कि 367.5 ग्राम KClO3 को हीटिंग टू गिव्स KCl एंड O2, तो इसका और इसका अमाउंट आपको पूछा था। ठीक है, सिंपल है, पहले तो हमने केमिकल रिएक्शन को लिखा था, यस, 2 मोल ऑफ KClO3 हीटिंग, इट गिव्स क्या, KCl, इसके 2 मोल और इसके 3 मोल। ठीक है, यस। तो अभी यहाँ पे हमने स्टोइचोमेट्री केमिकल इक्वेशन पूरा लिखा है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी मास वॉल्यूम रेशो देखना है, तो वॉल्यूम आप खाली किसका देख सकते हैं, जो भी गैस है। तो अभी गैस तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, तो हमें इसका मास देखना है, तो इसका मास मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय अभी जो गैस है उसका वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। अभी मास ऑफ KClO3 को देखना है तो हमें उसकी स्टोइचोमेट्री देखनी पड़ेगी इनटू उस KClO3 का मोलर मास देखना पड़ेगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस है तो वहां पे उसकी स्टोइचोमेट्री देखनी पड़ेगी, और वॉल्यूम यहाँ पे एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो यहाँ पे मैं 22.4 लीटर लिखता हूं, तो ये हो गया है मास ग्राम में और ये हो गया वॉल्यूम लीटर में। यस, अभी इसमें से आपको निकलना क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2, क्योंकि आपको मास ऑफ KClO3 तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है 367.5 डिवाइड बाय यहां पे वॉल्यूम इन लीटर ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, यहां पे आपका 2 × 122.5 डिवाइड बाय यहां पे आपका 3 × 22.4 लीटर एक ग्राम। यस, अभी आपको वॉल्यूम निकालना है ऑक्शन का। ठीक है, ये ग्राम है, ये मास है, ये ग्राम है, ये मास है, सॉरी ये ग्राम है, ये वॉल्यूम है, ये ग्राम है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, लीटर। तो चलो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना लीटर आएगा, तो ये इंटू ये डिवाइड बाई ये, तो आपको 367.5 इंटू 3 × 22.4 डिवाइड बाय यहाँ पे आपका 2 × 122.5, तो ये आपको कैलकुलेशन करना है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करवा के देता हूं। ठीक है, तो यस, हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है
100.8 इतना लीटर आपका ऑक्सीजन गैस बनेगा ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड। यस, आपको समझ में आया बच्चों लोग? यहाँ पे वॉल्यूम मास वॉल्यूम इनका रेशो लिया है, ठीक है। तो जो भी गिवन मास है डिवाइड बाय जो आप वॉल्यूम निकलने वाले हैं इज इक्वल टू आपका जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू मोलर मास, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू यहाँ पे मोलर वॉल्यूम लेना है। तो इस 22.4 लीटर का आप मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल का वॉल्यूम, तो एक मोल के वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम डालना है 22.4 लीटर। यस, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों लोग? अभी तीसरी बात है मोल मोल रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो पहले दो आपके पॉइंट हो गए, मास मास रेशो एनालिसिस, दूसरा हो गया मास वॉल्यूम रेशो एनालिसिस। अभी तीसरा जो पॉइंट है श्रवण वो है हमारा मोल मोल रेशो एनालिसिस। चलो तो मोल मोल रेशो एनालिसिस देख लेते हैं। अभी मोल मोल रेशो एनालिसिस तो सेम क्वेश्चन के लिए देखेंगे हम, एक ही क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि मोल मोल रेशो, मास मास रेशो, मास वॉल्यूम रेशो, ठीक है। यस बच्चों लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख के दिया है 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 जिसका मोलर मास 122.5 ग्राम व्हेन हीटेड हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन O2 इज प्रोड्यूस, ठीक है। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा मोल 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 रेशो एनालिसिस। चलो तो अभी मोल मोल रेशो एनालिसिस में करेंगे क्या बच्चों लोग? पहले तो यहां पे हमने जो रिएक्शन लिखी थी KClO3 यहां पे हीटिंग किया था 2 मोल ऑफ KClO3 और 3 मोल ऑफ O2 गैस, ठीक है। यस, यहां पे मोल रेशो के अंदर करेंगे क्या? अभी इसका गिवन मास, गिवन मास ऑफ KClO3 डिवाइड बाय उसका मोलार मास ऑफ KClO3, मोल्स ऑफ KClO3 आपको निकालने। सेम फॉर यहां पे आपको करना क्या है, मास ऑफ KCl डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ KCl। और यहां पे भी आपको करना क्या है, मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ O2, ठीक है। तो यहां पे आपके निकल आएंगे मोल्स ऑफ KCl और यहां पे भी आपके निकल आएंगे मोल्स ऑफ O2। स्टोइकोमेट्री मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री तीनों की केस में सेम रहेगी। गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये क्या होती है श्रवण? सेम होती है इफ ऑल रिएक्टेंट कंज्यूम 100% कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री ये आपकी सबकी केस में रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो जो भी है उनका सेम रहेगा। तो यदि ये सब सेम आ रही है तो इसका मतलब है आपको जो भी रिएक्टेंट था वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो गया और उसका पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना है, इसको हम 100% कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपल है, आपको यदि ये रेशो सबका सेम आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे इसके जितने भी मोल, मान के चलो कि इसके 2 मोल डिकम्पोज हो गए तो यहाँ पे इसके 2 मोल फॉर्मेशन पक्का है, यहाँ पे 2 मोल डिकम्पोज हो गए तो इसका 3 मोल फॉर्मेशन पक्का है, यदि यहाँ पे 4 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं तो यहाँ पे 6 मोल फॉर्मेशन पक्का है, यहाँ पे 4 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 मोल फॉर्मेशन पक्का है। खाली आपका ये रेशो आपको क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक बार रेशो सेम आ गया, इसके मोल जो भी आएंगे, मान के चलो कि इसके मोल आपके 1.6 आ रहे हैं तो सिंपल है इसका भी 1.6 फॉर्मेशन पक्का है। और यहां पे क्या आएगा, 1.6 इंटू 3/2। यस समझ रहे ना आप इसको? तो ये आपका आएगा आंसर, ठीक है।
तो ये हुआ मोल मोल रेशो एनालिसिस। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, अभी क्वेश्चन के अंदर इसको देख लेते हैं, अभी ये जो फंडा है क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। चलो तो क्वेश्चन के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखो देखो मोल्स ऑफ KCl3 वो निकालने हैं हमें, KCl3 के मोल, तो यहाँ पे 367.5 डिवाइड बाय ये मास है, गिवन मास ऑफ KCl3 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, एक मोल का मास, तो ये मोल निकल आएंगे। ठीक है, तो ये मोल कितने आएंगे एक बार उसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए, या आप अप्रोक्सीमेटली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रहा हूँ आपको, हाँ तो यहाँ पे इसके आ रहे 3 मोल्स, यस। तो अभी यहाँ पे इसके 3 मोल आ रहे हैं बच्चे लोग, तो इसके 3 मोल डिकम्पोजिशन पे यदि ये रिएक्शन 100% कंप्लीट है, तो यहाँ पे आपको पता है ना इसके 2 पे इसके 2 है, तो यहाँ पे इसके 3 मोल पे इसके भी 3 मोल फॉर्मेशन पक्का है, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 × 3/2, तो यहां पे आपका कितना आएगा 9/2 मतलब 4.5 आएगा, 4.5 मोल यहां पे फॉर्मेशन पक्का है, यस। तो ये आ गया आपका ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन, तो यहां पे 4.5 × 22.4 लीटर ये आपका आएगा वॉल्यूम, और 4.5 × उसका मोलर मास कितना है 32 ग्राम, तो ये आएगा उसका मास ग्राम में, यस। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करिए वॉल्यूम का, तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ 4.5 × 22.4, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका आ रहा है 100.8, तो इतना लीटर तो हमारा इसके पहले भी आ चुका है, और यहाँ पे आपका मास 4.5 × 32, तो यहाँ पे 144 ग्राम, तो ये भी हमारा ग्राम आ चुका है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है। ओके यस बच्चों लोग, समझ में आ रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है या दिमाग के अंदर जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन अभी मोल मोल रेशो एनालिसिस के फिनिश हुए। ओके, अभी यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम इसका ले सकते हैं, बट ये दोनों में से कोई एक गैस होता तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी हम कर सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, तो चौथा जो पॉइंट है वो सेम करना है यहाँ पे, यदि इसमें से कोई गैस होता तो गिवन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय जिसका निकलना है उसका इक्वल टू यहाँ पे जिसका जितना स्टोइकोमेट्री है इंटू 22.4 लीटर जिसका निकलना है उसकी स्टोइकोमेट्री इंटू उसका एक मोल का वॉल्यूम, तो ये आपको कैलकुलेशन करने है। यस बच्चों लोग, समझ में आया आपको? तो चलो अभी एक बढ़िया पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म हुआ है बच्चों लोग, बहुत ही बढ़िया। तो 3 तो आपको एकदम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू उसको आपको एक्सप्लेन किया है, चौथा खाली आपको जो वॉल्यूम वॉल्यूम है आपको गैस वाली रिएक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा, वहां पे भी हम निकाल सकते हैं एक रिएक्शन के अंदर आप बी इट गिव्स C+D, ये केमिकल रिएक्शन है, तो इसकी स्टोइकोमेट्री स्मॉल है, इसकी स्टोइकोमेट्री स्मॉल बी है, इसकी स्टोइकोमेट्री स्मॉल सी है, इसकी स्टोइकोमेट्री स्मॉल डी है। तो आपको एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय उसकी स्टोइकोमेट्री, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे मोल्स लिखता हूं ऑफ ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय इसकी स्टोइकोमेट्री, और 100% कंप्लीट रिएक्शन में इसके मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री, इसके मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री ये आपकी सेम रहेगी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय उसकी स्टोइकोमेट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाय उसकी स्टोइकोमेट्री। तो ये चारों जो एस्ट्रॉन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री ये चारों के लिए या जितने भी रहेंगे उतने के लिए सेम रहेंगे। ठीक है,
तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये मैं लिख रहा हूं फॉर 100% कंप्लीट रिएक्शन, फॉर 100% कंप्लीट रिएक्शन। तो लिमिटिंग एक्सेस के लिए आपको क्या फंडा लगाना है वो भी मैं यहां पे बताता हूं। ये 100% कंप्लीट रिएक्शन के लिए कहानी है। तो लिमिटिंग एक्सेस के लिए थोड़ा सा हम इसके अंदर एक डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझेंगे फिर। चलो तो फिर नेक्स्ट पॉइंट ले ले फिर। चलो तो आप लोगों को इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। लिमिटिंग एंड एक्सेस। तो अभी यहाँ पे लिमिटिंग और एक्सेस जो फंडा है बच्चों लोग, तो वो आपको फंडा बता देता हूं। लिमिटिंग एंड एक्सेस क्या होता है? लिमिटिंग एंड एक्सेस, एक कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, मान के चलो कि आपका ए प्लस बी यहाँ पे आपका चल रहा है और इससे आपको सी और डी मिल रहे हैं। मान के चलो कि इसके 2 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं, इसके 4 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है मान के चलो कि यहाँ पे 3 मोल और यहाँ पे 1 मोल। ओके, तो फिर इसके 2 मोल पूरा डिकम्पोज जब हो जाएंगे तो इसके पूरे के पूरे 4 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं। यस, तो इसको हम इसकी स्टोइचोमेट्रिक 2H2, 4H2, 3H2, 1 ऐसा लिख रहे हैं। इसका मतलब हम सीधा सीधा लॉजिक लगा रहे हैं कि इसके 2 मोल पे इसके डबल, मतलब इसके जितने भी डिकम्पोज हो जाएंगे उसके डबल में इसका डिकम्पोशन है और इसके जितने भी डिकम्पोज हो जाएंगे उसके हाफ में इधर फॉर्मेशन है और यहाँ पे 2 मोल डिकम्पोशन है, यहाँ पे 3 मोल डिकम्पोशन है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे जितना भी फॉर्मेशन है उसके 3 टाइम्स यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये कंक्लूजन हमने ऑलरेडी इसका मोल मोल रेशो एनालिसिस के अंदर किया है। मास मास एनालिसिस भी कर सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हैं, मास मोल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको कोई यहाँ पे भी 2 मोल देता हूं और यहाँ पे भी 2 मोल देता हूं, गिवन दे सकता हूं मैं 2 2 मोल, तो फिर इसमें से आपको पता है ना इसका 2 मोल डिकम्पोशन पे इसका 4 मोल चाहिए, बट यहाँ पे 4 मोल है नहीं, तो उस 4 मोल से कम है यहाँ पे, तो 4 मोल से कम है इसका मतलब है ये पूरा खत्म होने वाला है। तो जो पूरा खत्म हो जाएगा उसको बोला जाता है लिमिटिंग, और जो लिमिटिंग होता है वही रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है बच्चों लोग। जो लिमिटिंग होता है वही रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल कर लेता है मतलब क्या कि जो लिमिटिंग है, सबसे पहले तो आपको जो गिवन दिया है उससे आपको कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है ये कैसे पता करना है। एक बार आप लिमिटिंग एक्सेस का पता चल गया तो लिमिटिंग आपकी रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। मतलब कंट्रोल करेगा मतलब क्या करेगा, देखो तो हम इसके हिसाब से बोलने लगेंगे बच्चों लोग। जो लिमिटिंग है हम उसके हिसाब से बोलने लगेंगे, कैसे बोलेंगे देखो, 4 मोल बी पे 2 मोल ए डिकम्पोशन पक्का है, मतलब यहाँ पे जितना भी बी डिकम्पोज हो जाएगा उसके हाफ में ए का डिकम्पोशन पक्का है। पहले हम बी को देखेंगे क्योंकि बी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, बी लिमिटिंग है। तो 4 मोल बी पे 2 मोल ए, मतलब जितना भी बी डिकम्पोज हो जाएगा उसके आधे में ए का डिकम्पोशन पक्का है। तो बोलो हमारे पास भी है कितना, 2 मोल, तो उसके आधे में उसका डिकम्पोशन है, तो 2 मोल यहाँ पे डिकम्पोज हो गए, हमने लिए थे 2 मोल इसके भी और इसके भी, तो इसको बोला जाएगा गिवन मोल्स। तो ये तो हम हमें दिए गए मोल से, बट एक्चुअल में उसका डिकम्पोशन कितना हो रहा है, तो इसका 2 मोल डिकम्पोशन हो रहा है, तो इसके आधे में इसका डिकम्पोशन है, तो 1 मोल डिकम्पोशन है। हमारे पास तो 2 है, 2 में से 1 मोल डिकम्पोज हो गया, तो ये डिकम्पोज मोल है, या इसको आप यूज मोल भी बोल सकते हैं, इतने मोल। अभी आफ्टर रिएक्शन
किसके कितने मोल बचेंगे? तो दो थे, एक डिकम्पोज हो गया, तो एक मोल आपका रिमेंस रहेगा, या एक्सेस बोल सकते हैं। इसका दो लिए थे, दो यूज हो गए, तो यहां पे जीरो मोल। तो जो खत्म हो गए उसको बोला जाएगा लिमिटिंग, और जो रिएक्शन होने के बाद भी बच रहा है उसको बोला जाएगा एक्सेस, इसको बोला जाएगा एक्सेस। अभी तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, अभी प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेगा बोलो। अभी आपको पता है बच्चों लोग, इसका जितना भी डिकम्पोज हो रहा है, जितना भी यूज हो रहा है, उसके आधे में इसका फॉर्मेशन है। तो इसका यूज कितना हो रहा है? एक, तो उसके आधे में आपका इसका फॉर्मेशन है। यस, इसका एक फॉर्मेशन है, तो इसका थ्री टाइम्स इसका फॉर्मेशन है, तो इसका थ्री टाइम्स कितना हो जाएगा? इसके थ्री टाइम्स, तो 0.5 × 3, तो ये हो गया आपका सी का फॉर्मेशन, ये हो गया आपका डी का फॉर्मेशन। यस, समझ में आया? तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर इसको वर्कआउट करके देता हूं, तो आपको पता चलेगा। मान के चलो कि एक रिएक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन के अंदर इसको हम देखेंगे लिमिटिंग एक्सेस। ये तो एक बहुत ही आपको थोड़ी बहुत आइडिया दे दी, 1% आइडिया। अभी 99% आपको पता चलेगा एक एग्जाम्पल के अंदर इसको कैसे देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जो गिवन मोल है वो कोरिलेट कर सकते थे, क्योंकि इजी कैलकुलेशन था, तो हमने कर लिया। बट एक आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और जो गिवन मोल है उसके अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहां पे हम करेंगे कैसे, ठीक है? तो चलो मैं आपको एक वर्कआउट करके देता हूं। तो लिमिटिंग मतलब जो खत्म होता है, जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और एक्सेस मतलब आफ्टर रिएक्शन वो कुछ ना कुछ बचेगा उसके साथ रिएक्ट होने के लिए। आपका जो सामने वाला था वो पूरा का पूरा डे, आपको इसकी रिएक्शन करनी है किसके साथ? HCl के साथ। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, देखो रिएक्शन है, इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे आपका 2 मोल, और इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, तो इक्वेशन पूरा बैलेंस हो गया। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1H2, 2H2, 2H2, 1H2, 1। तो दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको मोल रेशो बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशो भी बोल सकते हैं। तो आपको 3 मोल Na2CO3 के दिए, तो गिवन क्या दिया है आपको? सबसे पहले तो हम केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को, उसके बाद जो स्टोइकोमेट्री है, स्टोइकोमेट्री तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे गिवन क्या दिया है आपको? तो गिवन आपको मोल दिया है, तो मोल कितने दिए? 3 मोल से Na2CO3 के 3 मोल्स हैं, यस, और HCl के 6 मोल हैं, यस। तो यहाँ पे 1H2 रेशो है, तो यहाँ पे भी 1H2 रेशो आन 3 6, तो यहाँ पे भी 1H2। इसका मतलब है यहाँ पे रिएक्शन 100% कंप्लीट होने वाली है, यहाँ पे कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, जो भी आपका रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरी तरीके से कैसे समझेंगे हम? तो यहाँ पे उसके गिवन मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री, गिवन मोल किसके? Na2CO3 के, इज इक्वल टू यहां पे HCl के गिवन मोल्स डिवाइड बाय उसके स्टोइकोमेट्री। यदि ये दोनों सेम आ रहे तो यहां पे देखो, यहां पे उसके गिवन मोल 3 है डिवाइड बाय उसकी स्टोइकोमेट्री है के, इज इक्वल टू इसके गिवन मोल कितने हैं? 6। इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है? 2। तो यहाँ पे 3/1, यहाँ पे भी आपका 3/1। इसका मतलब है यहाँ पे 100% रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। इसका मतलब है कि इसके 3 मोल पूरे के पूरे डिकम्पोज होने वाले, इसके भी 3 मोल पूरे के पूरे डिकम्पोज होने वाले। तो यहाँ पे आपको मालूम है ना, इसका 1 मोल डिकम्पोजन पे इसका 2 मोल डिकम्पोजन पक्का है,
इसका दो मोल डिकम्पोजिशन पे इसका दो मोल फॉर्मेशन पक्का है, तो यहां पे छह मोल डिकम्पोजिशन पे इसका भी छह मोल फॉर्मेशन है, किसका, NaCl का। तो NaCl के आधे में CO2 के बनते हैं, तो थ्री मोल आपका CO2 बनेगा, यस। और जितना CO2 बनेगा उतना ही आपका H2O बनेगा। तो आपको पूछा क्या है बच्चे लोग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस, तो वॉल्यूम आपको पूछा है, तो आपको 3 into 22.4 लीटर, तो ये आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर, यस। समझ में आ गया बच्चे लोग, तो इसको बहुत सीधा सीधा कैलकुलेशन करना था, ओके। आपको ये पता करना है खाली कि जो भी गिवन मोल है डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री और गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री, ये सब के केस में यदि सेम आ रही है इसका मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पे आपके तीन मोल दिए थे, तो ये पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा इसके छः मोल के साथ, तो यहाँ पे बचने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों 100% डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक है, यस। तो अभी ये तो था आपका, यहाँ पे कोई लिमिटिंग कोई एक्सेस नहीं था, ठीक है। तो एक एग्जांपल एक्चुअल देखेंगे जिसके अंदर एक लिमिटिंग है और एक एक्सेस है, चलो। तो वो एग्जांपल को हम फोकस करते हैं, ये क्वेश्चन है कि जिसके अंदर हमें लिमिटिंग और एक्सेस फाइंड आउट करना है, ठीक है, और CO2 का कितना वॉल्यूम बना है वो भी हमें निकालना है। क्वेश्चन को देख लेते अभी, 6 मोल ऑफ Na2CO3 इज रिएक्टेड विथ 4 मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इज प्रोड्यूस एट HTP, द रिएक्शन आपको दी है Na2CO3 plus 2 HCl, इट गिव्स 2 मोल ऑफ NaCl plus 1 मोल ऑफ CO2 plus 1 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन तो दी है, अभी बैलेंस है कि नहीं देख लेते पहले। तो यहाँ पे आपको पूरा रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, रिएक्शन तो पूरा बैलेंस है। तो पहली कहानी रिएक्शन को लिखना, पहली कहानी रिएक्शन को लिखना, दूसरी कहानी स्टोइकोमेट्री लगाना, तीसरी कहानी यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1H2 2H2 2H2 1H2 1, जो भी स्टोइकोमेट्री उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अभी तीसरी कहानी क्या है स्टूडेंट, आपको गिवन जो दिया है उसको लिखना। तो यदि गिवन मास दिया है तो मास लिखो, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम लिखो, मोल दिया है तो मोल लिखो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे 6 मोल लिख रहा हूं और यहाँ पे 4 मोल है, तो यदि मास दिया है तो उसका मोल में कन्वर्जन करो, तो मोल यहाँ पे गिवन मोल आपको दिए इतने। अभी गिवन मोल को डिवाइड करो स्टोइकोमेट्री से, ठीक है, तो पता चलेगा यदि दोनों का सेम आ रहा है तो 100% डिकम्पोजिशन, जो भी इसके मोल रहेंगे 6, 4 वो डिकम्पोज कितना हो रहे हैं वो पता चलेगा। तो यहां पे 6/1 और यहां पे आपका 4/2, बोलो यहां पे गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री, यहां पे 6 आ रही है, यहां पे आपकी 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, इसका मतलब यहां पे ये जो आपका रेशो है गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री, ये कम आ रहा है, इसका मतलब है ये आपका है लिमिटिंग, कौन, HCl। यहां से इस वैल्यू से खाली हमें लिमिटिंग एक्सेस का पता चलेगा, बाकी कुछ नहीं, लिमिटिंग और एक्सेस का पता चलेगा यहां पे। तो दिस इज द लिमिटिंग और दिस इज द एक्सेस, तो आपको पता है ना लिमिटिंग जो है वो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, लिमिटिंग हमेशा पूरा 100% खत्म हो जाता है। तो जो भी लिमिटिंग है, तो लिमिटिंग ये 4 मोल, तो ये 100% डिकम्पोज हो जाएगा बच्चों लोग, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। तो इसका 2 मोल डिकम्पोजिशन पे इसका 1 मोल डिकम्पोजिशन है, तो आधे में डिकम्पोजिशन है, तो यहां पे हमारे पास 4 मोल है, तो इसका डिकम्पोजिशन कितना है, इसका डिकम्पोजिशन 4 है, तो 2 मोल का डिकम्पोजिशन है। तो अभी ये तो ये यहां से खाली हमें क्या पता चल रहा है, कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पे इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूज कितना होगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज कितना होगा, तो इसका 4 मोल यूज है
और इसका 2 मोल का यूज है। यस बच्चों लोग, तो हमारे पास इसके 6 मोल थे, तो आफ्टर रिएक्शन इसके 6 में से 2 मोल तो खत्म हो गए, तो यहां पे 4 मोल आपका एक्सेस बचेगा बच्चों लोग, इसमें से 4 में से 4 तो इसका 0 मोल। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट का डाटा। अभी प्रोडक्ट का डाटा देख लेते। देखो अभी हमें यूज किसका कितना हुआ है वो देखना है। हाँ चलो, तो इसका 1 मोल पे इसका 2 मोल है तो डबल में, तो यहां पे इसका 4 मोल बनना पक्का है। इसका 1 मोल पे इसका 1 मोल है तो इसका 2 मोल पे इसका भी 2 मोल पक्का है। यस और नो? ठीक है, अभी इसके 1 मोल पे इसका भी 1 मोल है तो इसका भी एक, सॉरी इसके 2 मोल पे इसका भी 2 मोल है, तो चलो हो गया कहानी खत्म। अभी हमें CO2 का वॉल्यूम पूछा है, तो अभी CO2 के हमें मोल पता है, तो 2 × मोलार वॉल्यूम कितना होता है, मोलार वॉल्यूम मोल का वॉल्यूम मतलब मोलार वॉल्यूम, तो होता है 22.4 लीटर। तो ये आपका आएगा कुछ 44.8 लीटर CO2 गैस प्रोड्यूस। समझ में आ गया बच्चों लोग? तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि Na2CO3 ये क्या था स्टूडेंट, ये आपका एक्सेस था, और यहां पे आपका HCl जो था स्टूडेंट वो एक लिमिटिंग रिएजेंट था। ठीक है, लिमिटिंग एंड एक्सेस इसको बोला जाता है रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट। तो क्वेश्चन समझ में आया बच्चों लोग? ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, तो कैसे पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं इसके पहले, तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने एक-एक एग्जांपल के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यदि आपको थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो एक बार लेक्चर को फिर से देखो। कोई मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करो, तो फिर उसके अंदर आपको वैल्यू आपकी सही आ रही है नहीं आ रही है तो मुझे एक कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताओ। ठीक है, चलो, तो अभी हमारा एक पॉइंट बचा है।